फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लसम ब्लॉसम फैमिली। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ प्लम के न्यूली लॉन्च ग्रीन टी जेंटल रिवाइवल फेस स्क्रब का। और ये जो फेस स्क्रब है, ये कुछ इस टाइप की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इसका प्राइस है 395 रुपीज़। 395 रुपीज़ में आपको 75 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स। और फ्रेंड्स, ये जो फेस स्क्रब है ये 100% वेगन है, मतलब इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और इससे आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और ये फेस स्क्रब सूटेबल है नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली एंड एक्ने प्रॉन स्किन के लिए। और इसके बैक में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपको सवियर या सिस्टिक एक्ने है तो आपको इसको यूज़ नहीं करना है। और इसको कैसे यूज़ करना है, इसके फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट, ये सब यहाँ पर इसके बैक में मेंशन किया गया है। आपको इसे अपने वेट फेस पर यूज़ करना है और इसे आपको मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक यूज़ करना है, हफ्ते में 1 या 2 बार। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 बार यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आपको ये फेस स्क्रब यूज़ नहीं करना है। चलिए अब मैं आपको ये स्क्रब ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है और इसके अंदर आपको ट्यूब पैकेजिंग में ये फेस स्क्रब मिलता है। चलिए अब मैं आपको इसको ओपन करके इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इसका जो टेक्सचर है वो जेल काइंड ऑफ टेक्सचर है और ये लाइट ग्रीन कलर का है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही क्रीमी है ये और इसमें जो बीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है साइज़ में, आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो बीड्स हैं उनका साइज़ बहुत ही स्मॉल है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ग्रीन टी जैसी है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लगी है। चलिए अब मैं ये फेस स्क्रब आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ और फिर आप लोगों को इसके रिजल्ट दिखाती हूँ कि इस फेस स्क्रब के रिजल्ट कैसे हैं। फ्रेंड्स, ये फेस स्क्रब आपको अपने वेट फेस पर अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर अपने फेस को वेट कर लिया है और इस फेस स्क्रब की बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ होती है। इसमें जो बीड्स हैं वो स्किन पर बहुत ज़्यादा जेंटल रहते हैं, स्किन पर बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है। इस फेस स्क्रब से आपको मैक्सिमम 1 मिनट अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। 1 मिनट से ज़्यादा आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है और आपको अपने फेस के साथ साथ नेक पर भी स्क्रबिंग करनी है। इस फेस स्क्रब के मेन इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी हमारे फेस पर जो एक्सेस ऑयल होता है उसको कंट्रोल करता है और एक्ने को प्रिवेंट करता है। सो ग्रीन टी हमारी स्किन को क्लियर और एक्ने फ्री बनाता है, एक्ने को रिड्यूस करता है। और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हमारी स्किन से ड्राइनेस को दूर करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। और इसमें है सेल्यूलोज और वॉलनट बीड्स जो हमारी स्किन पे जो डर्ट होती है, स्किन इम्प्योरिटीज़ होती है, डेड स्किन सेल्स को, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को रिड्यूस करता है और हमारी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाते हैं। सो ये जो फेस स्क्रब है ये हमारी स्किन को एक्ने फ्री बनाता है, ऑयल फ्री बनाता है और स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है। 1 मिनट तक हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर और ग्लोइंग लग रही है। मुझे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सापल फील हो रही है। प्लम का जो ये ग्रीन टी फेस स्क्रब है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। फर्स्ट मुझे इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी और सेकेंड बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये है कि इसमें जो बीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल रहते हैं स्किन पर। सो जब हम इस फेस स्क्रब से स्क्रबिंग करते हैं तो बिल्कुल भी इरीटेशन नहीं होती है और हम स्क्रबिंग को इन्जॉय करते हैं। ये जो फेस स्क्रब है आपको इसको 1 वीक और 2 वीक यूज़ करना है, मैक्सिमम आपको इसको 2 वीक यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आपको ये फेस स्क्रब यूज़ नहीं करना है। और ये जो फेस स्क्रब है ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली क्लियर और ग्लोइंग बनाता है और स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद, बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती है। सो प्लम का जो ये ग्रीन टी फेस स्क्रब है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसके रिजल्ट मुझे पसंद आए हैं। इन माई ओपिनियन आपको भी एक बार ये फेस स्क्रब ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या एक्ने प्रॉन स्किन है तो आपको इसको एक ट्राई जरूर देना चाहिए। आप इसको परचेज करने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। अगर आप इस फेस स्क्रब को परचेज करना चाहते हैं, इसको एक ट्राई देना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और पास ही में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।